हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी के सब लोग। आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ पोको X3 Pro को आईकू के Z3 के साथ। यहाँ पे भाई दोनों में अलग अलग प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। आईकू Z3 में स्नैपड्रैगन 768G वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, तो और यहाँ पे अपने को जो है पोको में 860 का 4G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। देखते हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन में कौन विन करता है, कैसी परफॉर्मेंस दोनों में रहने वाली है। सारे के सारे एप्लीकेशंस मैंने ले लिया है यहाँ पे, जो मैं ओपन करने वाला हूँ। रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी करेंगे, पबजी भी अपन ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यूट्यूब से स्टार्ट करते हैं। तो यूट्यूब मैंने ओपन किया, यहाँ पे पोको में सबसे पहले ओपन हो चुका है। सो भाई यहाँ पे पोको को एक पॉइंट मिल चुका है। अब यहाँ पे जीमेल को ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ पास जो है अपने आईकू ने थोड़ा स्लाइटली सा फास्टर ओपन किया, तो भाई उसको भी एक पॉइंट मिल गया है। यहाँ पे अब गूगल की बात करें तो दोनों ने एक साथ ओपन किया है, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया है। इसके बाद अपन प्ले स्टोर की बात कर लेते हैं, तो प्ले स्टोर पे यहाँ पे क्लियरली पोको ने पहले ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे अपन गूगल क्रोम की बात कर लेते हैं, सो यहाँ पे गूगल क्रोम दोनों ने एक साथ ओपन किया, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाते हैं। ट्विटर की बात रही तो यहाँ पे ट्विटर को क्लियरली पोको ने पहले ओपन कर दिया है। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की, सो भाई यहाँ पास इंस्टाग्राम को भी क्लियरली पोको ने पहले ओपन कर दिया। भाई पोको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 860 का प्रोसेसर है, तो भाई वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है। फ्लिपकार्ट की बात रही तो यहाँ पे क्लियरली 7 पॉइंट इसको मिल चुके हैं। अब बात करते हैं स्नैपडील की, तो भाई यहाँ पास जो है क्लियरली पोको में पहले ओपन हो चुका है, तो भाई ये भी काफ़ी बढ़िया बात है कि भाई पोको में पहले ओपन हो गया है। सो यार पोको को यहाँ पे और पॉइंट मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अपन अमेजोन को ओपन करके देखते हैं, तो भाई यहाँ पास जो है पोको पे अमेजोन पहले ओपन हो चुका है। भाई यहाँ पे पोको 9 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो भाई यहाँ पे ये सारे एप्लीकेशंस मैंने कंप्लीट कर लिया। स्पीड टेस्ट और पबजी अपन बाद में करते हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पे मैं आपको रैम मैनेजमेंट दिखा देता हूँ कैसा है। तो जितने ऐप्स मैंने ओपन किया था सबको अगेन से मैं ओपन करूँगा, तो यहाँ पे यूट्यूब देख सकते हो दोनों पे रिलोड हुआ है, तो दोनों को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे। और बात रही जीमेल की, तो भाई पोको पे पहले से था और यहाँ पे आईकू में रिलोड किया, और यहाँ पास जो है गूगल दोनों में पहले से था, और प्ले स्टोर जो है दोनों पे रिलोड किया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्रोम की, तो भाई क्रोम भी दोनों पे रिलोड किया। बात करें ट्विटर की, तो भाई ट्विटर जो है आईकू में था पहले और पोको में क्लोज हो गया था। बात रही इंस्टाग्राम की, तो भाई इंस्टाग्राम जो है दोनों पे था, मैं एक्चुअली ध्यान नहीं दिया। सो यहाँ पे फ्लिपकार्ट की बात रही तो ये भी था इधर, और यहाँ पास देख सकते हो स्नैपडील पहले से था दोनों में। अमेजोन दोनों पे नहीं था पहले से, और यहाँ पास अब जो है अब अपन करने वाले स्पीड टेस्ट कंपैरिजन नहीं, अभी अपन करेंगे पबजी का कंपैरिजन कौन पहले ओपन होता है। सो यहाँ पे मैंने दोनों पे एक साथ क्लिक कर दिया, लेट्स सी कौन पहले ओपन होता है। यहाँ पे ये KR वर्जन है, तो यहाँ पे एक स्टार्टिंग में एरर आएगा, तो वो दोनों को मैं एक साथ क्लिक करूँगा। उसके बाद देखते हैं कि किसमें लॉग इन मांगता है, किसमें नहीं मांगता, लेट्स सी क्या होता है। सो यहाँ पे ओपन हो रहा है, देख सकते हो पोको अभी से ही आगे चलने लगा, और यहाँ पे जो है पोको पे आ चुका है एरर पहले, और यहाँ पे आईकू में देखते हैं कि एरर, यहाँ दोनों पे एरर आ चुका है। तो मैं दोनों पे एक साथ ओके क्लिक करता हूँ, और यहाँ पास जो है देख सकते हो पोको पे आ गया लॉगिन। जैसे ही आईकू पे लॉगिन पे जाता है, वैसे मैंने पोको पे लॉगिन बटन दबा दिया है, और यहाँ पास देख सकते हो दोनों ऑलमोस्ट एक साथ चल रहे हैं। लेट्स सी कौन पहले ओपन करके दे देता है अपने को पबजी। सो यहाँ पे मतलब दोनों टाइम ले रहे हैं, लेट्स सी कौन पहले ओपन करता है। सो यहाँ पास कर गया है पोको पहले ओपन। ऑब्वियसली यार प्रोसेसर बेटर है, तो यार पहले ही ओपन करेगा इसमें, तो यहाँ पे क्लियरली पहले पोको ने इसको ओपन कर दिया है। आईकू उसके जस्ट 2-3 सेकंड बाद ओपन किया। अब यहाँ पे अपन करेंगे इंटरनेट स्पीड टेस्ट कंपैरिजन, और आपको बताएंगे कि किसकी इंटरनेट स्पीड कैसी है। सो यहाँ पास गाइस जैसे कि देख सकते हो दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, यहाँ पे एयरटेल के दोनों वाईफाई से कनेक्टेड है, और सेम सर्वर्स आ चुके हैं। सो यहाँ पास अब मैं जो है कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेट स्पीड डाउनलोड की यहाँ पे अपना पोको में चल रहा है। लेट्स सी अगर सेम आईकू में आता है कि नहीं, वो भी अपने को पता चल जाएगा। तो यहाँ पास जो है 41.0 जो है डाउनलोड स्पीड मिली है, और 19.8 जो है अपलोड स्पीड मिली है पोको में। यहाँ पे डाउनलोड स्पीड तो यार डेफिनेटली कम आ गई है अपने को इसमें आईकू में, एंड अपलोड स्पीड आ चुकी है आईकू में थोड़ी ज़्यादा। तो यार यहाँ पे दोनों को एक एक पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है, तो भाई यहाँ पे क्लियरली विनर जो बनता है अपना हर एक चीज़ को, मतलब सब कुछ मिला के, तो यहाँ पे पोको जो है वो विनर बन जाता है। बस यहाँ पे आपको 5G देखने के लिए नहीं मिलता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। टाटा बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।